भाई सैंडविच भी हो गई अपनी बढ़िया, खाइए सैंडविच भी। हाँ भाई, तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये अभी तो देखा स्विफ्ट डिजायर में कैसे बेहतरीन भी सक गया। देख अरे मेरे को बढ़िया लगा, ऐसा लग रहा है BMW i8 खड़ी हुई है, सच शाइन भी बढ़िया कर रही है। हाँ समझ रहा है, मतलब इंसान का स्विफ्ट डिजायर है लेकिन शौक में BMW वाले हैं भाई। दो अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, कस्टमाइजेशन बढ़िया कर रही है। गाइस कमेंट अच्छी लगे तो कमेंट करना, अपन भी लगवा रहे क्या प्रति शिफ्ट में भाई, नंबर तो यही कही है। मेरे को रिम अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा भाई, पूरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा। अच्छा वो रिम इससे रुक अच्छा आ गया वो। आप ये सोच रहे होंगे, आज आपको बताना चाहता हूँ मैं कि मैं आज कहाँ आ गया हूँ। आज मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ एक्चुअली। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ, स्पेशली एक पैलेस में। आप ये सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो जंगली जंगल दिख रहा है। गाइस दिस इज माय न्यू पैलेस, ये पैलेस है मेरा, मजाक कर रहा हूँ पैलेस नहीं है। आज मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का मैं रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरा सेकेंड ईयर है मेरा, मैं ये कर रहा हूँ। और एक्चुअली क्या है ना, वैसे मेरे पास काफ़ी डिग्री है, BBA है, MBA है, नौकरी भी कर रहा हूँ मैं पेशे से एक फाइनेंस में। लेकिन क्या है ना कि मैंने सोचा था कि थोड़ा अपनी लाइफ में और अच्छे एजुकेशन रहो और एजुकेशन रहो, तो मैं इसे लॉ भी कर रहा हूँ। गौरव तनेजा मेरे में ये सिमिलरिटी है कि मैं इस एज में आके भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हाँ आज मेरा लॉ का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने आया हूँ मैं। ये कॉलेज एकदम भूतिया कॉलेज टाइप का लग रहा है मुझे, मैं दिखाऊंगा आगे से, आगे कैंपस है। बट यार अभी मेरा है एग्ज़ाम है मेरा, 8 बजे से मॉर्निंग में आ गया हूँ मैं, पढ़ा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए मुझे। लेकिन हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है तो मैं भी कायम हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अच्छा एक दिक्कत हो रही है, मैं हूँ एक इंग्लिश मीडियम से सब कुछ पास आउट, ठीक है। हमारे इसमें यूनिवर्सिटी में, ये वाली यूनिवर्सिटी में हिंदी भी होता है इंग्लिश भी होता है। अभी क्या किया कि मैंने उससे इंग्लिश की बुक मांगी थी, भाई ने मुझे हिंदी की बुक करा दी, और भाई कसम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। एक दिन पहले पढ़ाई की है और इसमें भी ये कांड हो गया है हिंदी इंग्लिश वाला। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के भरोसे ही बैठा हूँ मैं, ठीक है, अब जो अच्छा ही होगा और किस्मत के भरोसे, तो मैं पास होगा तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मुझे पता है रिजल्ट मेरा क्या है। आपको हंसी भी आ रही होगी कि सच्चाई तो यही है। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम में हम देंगे, तो डिग्रीज मेरे पास काफ़ी है एंड काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है, जॉब का मैं बैंकर भी हूँ आपको पता ही है। लेकिन मैंने सोचा कि लाइफ में एक ही चीज़ में स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए और भी चीज़ें करना चाहिए, तो मैंने रॉ चूज़ किया। मेरा सेकेंड ईयर है, आई थिंक लास्ट ईयर मेरा चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, पास हो गया तो। लेकिन हाँ उम्मीद है पास हो जाऊँगा मैं। एंड लॉ एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है रिगार्डिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आई चूज दिस सब्जेक्ट एंड अभी तो सब अच्छा गया है, आगे देखते क्या होता है। और कमेंट्स में लिखिए कि जो मेरी पुरानी वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी आपको। चलो मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसके बाद। और मैं दिखाना चाहता हूँ ये हिंदी दे रही है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हिंदी में, मतलब थोड़ा समझ में आता है लेकिन आपको पता है ना, आप एक प्रॉपर बोर्ड से निकलो ICSE बोर्ड से, तो आपको हिंदी नहीं समझ में आती। और ऐसे ऐसे वर्ड है ना, मतलब प्रति प्रेसिस्ट भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो जो जितना समझ में आया मैं उतना लिख दूंगा, लेट्स सी देखते हैं क्या है, ठीक है। मिलता थोड़ी देर में आपसे, और ये जगह छोटी है
देखिए बहुत सादा है, इट्स अ खाली जगह, हरियाली भर गई, सुबह सुबह का वक्त हो रहा है 7:30 और एक नंबर। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। हाय गाइस, पेपर हो गया है, अब वापस जा रहे हैं अपने मस्त टैक्सी से, एक नंबर स्टेशन जा रहा है। पेपर सही था, पेपर हमेशा सही होता है, ठीक के लिए मैंने ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी पेपर देने के लिए, जो आया है भर दिया, ठीक है। और वन मार्क वाले क्वेश्चन थे तो ठीक है, हो गया। अभी देखते हैं क्या सीन है आगे क्या है। और सेक्शन काफ़ी आए थे, एंड ये भी आया था कि भाई अगर वुमेन को अगर दहेज का होता है तो उसमें जेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसमें हो सकती है जेल एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब चीज़ें है कि हम जा रहे हैं भैया घर, ठीक है। एंड इसमें देखते क्या करता है प्रोग्राम। यार मस्त टैक्सी है यार, आप अच्छा दुकान सही है, तो गर्मी हो रही है बस, अब पॉजिटिव हो जाए मैं हो जाएगा। आप कहते होंगे कि भैया स्टेशन दिखाते रहते हो, क्या करूँ मैं आजकल, मैं रेलवे स्टेशन बहुत आ रहा हूँ मैं। अभी अपना जाम हो गया, अभी यहाँ से जाएंगे घर। टैक्सी के अंदर मेरा सेंटर पर है, वो थोड़ा सिटी से बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ वापस घर। एंड एक्चुअली मैं कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहता, जो भी है जिया दिखाता हूँ मैं, मस्त एकदम जो रियल लाइफ होती है एक नॉर्मल इंसान की, वही दिखाता हूँ मैं। दिखा सकता हूँ बहुत सी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन वो तो सब सब ही दिखा रहा है, लेकिन मैं अभी रियल चीज़ें दिखाता हूँ। ऐसे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, देखो छोटी बच्ची, इसकी उम्र कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर, लेकिन वो कष्ट कितने उठा रही है। तो गर्मी बहुत है यार, ट्रेन कौन सी आने वाली है, छत्तीसगढ़ आने वाली होगी, छत्तीसगढ़ आने वाली है ना, हम तो घर आएंगे। अच्छा बहुत गर्मी हो रखी है, भयंकर वाली। हाँ जी, क्या हाल चाल, बस हो गया एग्जाम एकदम कंप्लीट हो गया। नहीं भाई अभी है। अपने तुम्हारा एग्जाम नहीं, मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, देख के आ गया सब कुछ एग्जाम। अब थोड़ा घूम रहे हैं, भाई का चश्मा देखो गाइस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना, कुछ भी कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है भाई। अच्छा तो है, हाँ बढ़िया है। देखो ये बराबर लड़का है, कंटेंट में कुछ चाहिए तो बताना। सही है। बस थोड़ा बस जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। खाना बनाया तुमने आज? अरे नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा, बस क्या बनाया खाने में, दाल चावल आई थिंक, हाँ दाल चावल ही है, दाल चावल ही रहता है। ओके सादा खाना, पेट्रोल खत्म हो रहा गाड़ी में, जरूरी का ही बोलता। अब देख रहा है तो बोल दिया, कट कर देना, और क्या, कट 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 कर, मैं कोई चीज कट नहीं करता, जनता रिया देखती है। ये भी सही है गाइस, ये हमारा स्कूल है, ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ये मेरा स्कूल था, आगे अंदर को है, बिल्डिंग ऊपर को है, ये मेरे छात में बारह बारी का है, बारीक बार भी काफी बड़ा है यार, माता जी कब आएगी यार, आ जाएगी।
30 तक आ जाएंगे। बंदा कमा रहा होगा भैया, एक से भी 500 ले रहा होगा ना, 10 बच्चे 5000 महीने का दे रहा होगा। वो बनिया दिख रहा और इसके ऊपर भी कोई होगा जो गाड़ियां चलवा वाली जीप भले आज